श्री गणेश हो गया है। हाँ। अब इसके आगे जो है आप यू होल्ड फॉर द पूरी महफिल जो है आपकी। प्लीज हेल्प योरसेल्व्स। डेफिनेटली कुछ नहीं ले रहे हो। अच्छा, कैन आई गेट यू सम ड्रिंक्स? आप जैसे कहते हैं ना कि पूरा जो ऑर्केस्ट्रा है इमेज के हिसाब से रख देते हैं ना, नीचे का आ रहा है। हाँ नहीं, वो भी कट रहा है, नीचे पड़ा है। कौन सा तू? रोगी में भी जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून करना सिर्फ इन्हीं को आता था, हमें तो सिर्फ बजाना ही आता था। मतलब आपने ट्यूनिंग असिस्टेंट ऐसा नहीं? हाँ, हम लोग इवन देन वी यूज्ड टू कॉल इट आउटसोर्स। ये क्या बात है ना, ऑलवेज इट कॉल्ड आउटसोर्स। एक रोहित हजेला हुआ करते थे ना, उनके नाम से होता था। क्या हुआ कि पिछले दिनों मैं किसी प्रोग्राम में ऐसे किसी के साथ में कोई महिला थी, उन्होंने कहा था तो आई वॉज प्रे अच्छा, मतलब कुछ उन्होंने ठुमरी उमरी गाई थी तो ये हुआ कि तबला बजा दी। ठीक है, चलो नोएडा में तो बजाया प्रोग्राम। फिर उसके बाद कुछ और था उसमें आए प्ले, तो उनके भाई हैं शायद छोटे, वो सुन रहे थे वो गया, तो किसी ने नाम बताया तो बोले क्या ये नाम से तो हमारे यहाँ थे रोकी में और लग भी ऐसे ही रहा है तो वही होंगे। बट ही यूज्ड टू सिंग, ही नेवर यूज्ड टू प्ले देम। वो तो कोई और होंगे हो सकता है। तो मैं ढूंढ के रहे, फिर बाद में उन्होंने बोला कि बात बात हुई, बोले ही मेरे बात बात हुई मैंने रुड़की से लग गया था, कोई गलती है तो बताओ। मैंने बोले आप जो है आप तो गाते थे, आप बन लगता है उस समय जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा भी लगेगा अगर आप इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ में बजाने की। एक बार फंसा दिया था जमीर साहब ने, गाया था ना सीनेट हॉल में, कोई बढ़िया बड़ा फंक्शन था, जमीर साहब का गाना हुआ, जमीर साहब ने कल्याण जी ने तबला बजाया, उनके साथ में गाना हो गया, पब्लिक ने कहा पाठक क्या क्या सुनेंगे। फिर हमने जो है ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। फिर उसके बाद फिर हमने लाल साहब को कल्याण जी के साथ ही। एक बार ऐसे ही हुआ था, जमीर साहब जो है वहाँ मंदिर में कोई भजन भजन का प्रोग्राम करते थे, तो वहाँ पे पहुंचे तो उनसे कोई का कोई कोई भजन गाया, मतलब कल्याण जी जो है भजनी ठेगा नहीं बजा रहे थे ठीक से, कुछ मतलब कुछ उल्टा उल्टा कर रहे थे, तो उन्हें हटा के फिर से कहा कि आप लोग मैंने पहले कल्याण जी के हाथ पर जोड़े मैंने ये मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है जिसको मैं सुधार लूँ। आपके जमीन से बताया